आप सभी लोग इस बात को तो जरूर जानते होंगे कि सभी देवताओं में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी शुभ काम करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाए तो हमें इनका आशीर्वाद मिलता है और कार्य भी संपन्न होता है। जो भक्त अपनी सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी की भक्ति करता है उससे गणेश जी बहुत ही खुश होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि उस पर हमेशा बनाए रखते हैं। उसके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को दूर भी करते हैं। हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार से यानी आज से भगवान श्री गणेश जी की कृपा बरसने वाली है, जिसकी वजह से ऐसी 5 राशियां हैं जिनको अपने जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल होगी और इनका जीवन भी खुशहाल बनेगा। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से उन्हीं 5 राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन 5 राशियों के ऊपर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कृपा बरसने वाली है। लेकिन हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम आपको 5 राशियों के बताने के बाद बाकी की बची हुई राशियों का उनका हाल बताएंगे कि कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। तो चलिए शुरू करते हैं 5 राशियों में से सबसे पहले मेष राशि वालों से। मेष राशि वाले लोगों को भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आज से मिलने वाला है। इस राशि के व्यक्ति अपने सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपका मन कामों में लगा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहेगा। दूसरा, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बुधवार यानी आज से विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आपका अचानक से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने की संभावना बन रही है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो व्यक्ति व्यापारी हैं, उनको व्यापार में भारी धन लाभ मिलेगा। घर परिवार के साथ आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपके द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न होंगे। गणेश जी के कृपा से आपकी परेशानियों का अंत होगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तीसरा, कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को बुधवार यानी आज से भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है, जिसकी वजह से इनका आने वाला समय बहुत ही खास रहेगा। आपको अपने भाग्य और समय का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। आप कारोबार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। भगवान गणेश जी की कृपा से आपके घर परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। संतान आपकी बातों का अनुसरण करेगी। विद्यार्थियों का आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा। चौथा, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज बुधवार से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की अपार कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। जो व्यक्ति विदेश में काम करते हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में फायदा मिलेगा। काफी सालों से रुके हुए कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होने की संभावना बन रही है। भगवान गणेश जी की कृपा से आपका व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा। आपके द्वारा किए गए निवेश में आपको लाभ भी मिलेगा। पांचवा, मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों को
आज बुधवार से श्री गणेश जी की लगातार कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। अचानक आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन कमाने के नए स्रोत मिलेंगे। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। माता पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद में आपको मुनाफा होगा। तो दर्शकों, अभी तक हमने आपको बताया उन 5 राशियों के बारे में जिनके ऊपर आज बुधवार से विघ्न हर्ता श्री गणेश जी की लगातार कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बाकी की बची हुई राशियों का हाल कि कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। तो बची हुई राशियों में से सबसे पहले शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों से। मिथुन राशि वाले लोग आने वाले समय में कार्यभार अधिक होने की वजह से ये बहुत ही व्यस्त रहेंगे। व्यापारियों का व्यापार सामान्य रहेगा। इसके साथ ही आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने का विचार बना सकते हैं। आपकी फिजूल खर्ची होने की संभावना बन रही है, इसलिए आप अपने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी के साथ नोक झोंक भी हो सकती है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। माता का स्नेह और प्रेम मिलेगा, जिससे कि आपका मानसिक तनाव कुछ कम हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले लोगों को आने वाले समय में अपने कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने सभी काम भली भांति कीजिए। इधर के उधर कामों में ध्यान ना लगाएं। कार्यों के प्रति एकाग्रता को बनाए रखें। आप वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप किसी यात्रा पर जाने का विचार बना रहे हैं तो यात्रा को रोक देना ही आपके लिए उचित होगा, क्योंकि दुर्घटना और सामान चोरी होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप धन से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी खास मित्र से आप मुलाकात भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। व्यापारियों को व्यापार में सौदेबाजी लाभदायक साबित होंगे। आपका स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने सहकर्मियों से सावधान रहने की जरूरत है। आपका मन इधर उधर के कामों में भटक सकता है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है, इसलिए आप अपने पारिवारिक मामलों को समझदारी से समाधान कीजिए। आपको आने वाले समय में धैर्य और संयम से काम लेना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बढ़ावा मत दीजिए। कोई बुरी खबर मिलने की वजह से आपका मन चिंतित होगा। आपके जीवन में दौड़ भाग लगी रहेगी। आपका व्यापार भी कुछ खास नहीं चलेगा। आपका अपने पिता के साथ व्यावसायिक मामलों में अनबन हो सकती है। पारिवारिक समस्याओं का समाधान होने की संभावना बन रही है। आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों का समय सामान्य रहेगा। आपके कोर्ट कचहरी के जरूरी काम भी निपट सकते हैं। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है उनको सफलता हासिल होगी, लेकिन आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े। धन से संबंधित लेन देन में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने व्यापारिक क्षेत्र में साझेदारों से सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपने स्वभाव को शांत रखना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में
ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों को अपने व्यापारिक क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका मन अशांत रहेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। आप अपनी मेहनत से अपने कार्य को करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में भावनाओं से काम मत लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। आप जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें। स्टार्ट योर करियर विद अस।